एवरी वन वेलकम टू सैंडी टॉक्स कनेडा दिस वीडियो इज रिलेटेड टू बिग इमिग्रेशन चेंजेस कल से यानी कि सोलह नवंबर से कैनेडा की जो अगर आप पी आर ट्राई कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम में बहुत बड़ा चेंज आया है रिलेटेड टू नॉक कोड नॉक कोड अगर आपको नहीं पता है वो होता है नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासीफिकेशन कोड इसके बारे में भी हम बात करेंगे इन डिटेल में लेकिन ये जो नॉक कोड है वो आपको चेंज करना पड़ेगा अपनी फाइल में अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है या फिर करने वाले हैं सो so, ये जो चेंजेस हुए हैं ये सिर्फ एक नॉक कोड के नहीं हुए हैं इसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट चेजेस हैं जो आपको पता होने चाहिए अगर आप कैनेडा की पीआर अप्लाई करने वाले हो या कर भी चुके हो क्योंकि फिर आपको वो सारे चेंजेस अपनी प्रोफाइल में करने पड़ेंगे ये चेंजेस क्यों हुए हैं इसका आपको क्या फायदा और नुकसान है ये चेंजेस आपको अपनी प्रोफाइल में कैसे इंप्लीमेंट करने हैं कुछ नई ऑक्यूपेशन कोड्स ऐड भी की गई हैं मतलब जो स्किल्स पहले कनाडा को नहीं चाहिए थे अब वो स्किल्स की डिमांड है कनाडा में तो वो जो पहले एलिजिबल नहीं थे लोग अब वो लोग एलिजिबल हो गए हैं टू अप्लाई देयर कनाडा पीआर सो बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी चलो जी विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द वीडियो से पहले स्टार्ट करते हैं कि नॉक कोड होता क्या है नॉक कोड जो पहले होता था वो चार डिजिट का कोड होता था अभी कुछ चेंजेस हुए हैं अब वो डिजिट का हो गया so ये आपकी जॉब ड्यूटी पे डिपेंड करता है कि आप क्या क्या जॉब ड्यूटीज हैं हैं आपकी क्या काम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपका नॉक नॉक कोड कोड होता है है अब मेरा भी चेंज हो गया एक्सप्रेस एंट्री तो सीधा सीधा पॉइंट बेस्ड इन्वाइट कर लेता है जिसके ज्यादा पॉइंट होंगे उसको इन्वाइट किया जाता है लेकिन जैसे कि पी एन पी है वो थ्री हंड्रेड पॉइंट पे भी इन्वाइट कर लेती है क्यों क्योंकि उनको उस नॉक कोड की जरूरत है सो फॉर एग्जाम्पल थ्री हंड्रेड पे किसी को इन्वाइट किया

सिस्टम यूज करते थे उसमें जो स्किल्स डिवाइडेड थी वो डिफरेंट कैटेगरीज में थी पांच कैटेगरीज थी पहले नॉक ओ ए बी सी एंड डी नॉक ओ था उसमें सबसे हाईएस्ट रिक्वायरमेंट रहती थी जिसमें मैनेजमेंट आ जाती थी ज्यादा आपको डिग्री की जरूरत होती थी और नॉक डी तक जब आप जाते थे उसमें स्किल्ड लेवल जॉब्स आ जाती थी इतनी बड़ी कोई डिग्री या उसकी जरूरत नहीं थी सो so, इस हिसाब से ये जो मॉडल है इसको चेंज करके अब जो नॉक ट्वेंटी नया सिस्टम आया है उसमें आपकी जो जो स्किल लेवल है इसको कन्वर्ट किया गया है टीयर लेवल में टियर है ट्रेनिंग एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस रिस्पांसिबिलिटीज ये जो मॉडल है इसमें टियर जीरो से लेके टियर फाइव तक है मतलब कि जो पहले पांच स्किल लेवल थे अब आपके सिक्स स्किल लेवल है आपको मैपिंग जो है इसकी कनाडा की गवर्नमेंट वेबसाइट पे मिल जाएगी जो स्किल लेवल जीरो होता था पहले वो टियर 0 के इक्विवेलेंट है जैसे कि मैनेजमेंट की फील्ड सो so, जो पहले स्किल टाइप ए होता था वो है अब टीयर वन जिसमें आपको जरूरत रहती थी जनरली यूनिवर्सिटी की डिग्री की अगर आपके डिग्री आपके पास डिग्री होगी तो आप टीयर वन कैटेगरी में आते हैं यहाँ मेन चेंज हुआ है नेक्स्ट कैटेगरी में स्किल टाइप बी ज्यादातर आपने सुना होगा कि आपको अगर कैनेडा की पी अप्लाई करनी है तो आपको नॉक बी में जॉब चाहिए राइट सो so, नॉक बी की कैटेगरी में अब दो टीयर आ रहे हैं टीयर टू एंड टीयर थ्री ये एक गुड न्यूज है क्योंकि इसमें एडिशनल ऑक्यूपेशन भी एड की गई हैं जो कि अब एलिजिबल हैं जो पहले नहीं थी तो जो मेन चेंज हुआ है वो नॉक बी कैटेगरी में हुआ है जिसमें अब दो टीयर टू और टीयर थ्री और ये आपको पता लगेगा आप कौन से टीयर में आते हैं जब आप अपना नया नॉक कोड सर्च करेंगे वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे चेंज हुआ है पुराने नॉक कोड से एंड अभी मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्किल टाइप सी कैटेगरी पे ये सेम है टीयर फोर में भी इसमें आपको जनरली हाई स्कूल डिप्लोमा चाहिए रहता है और आपको कुछ वीक्स की ट्रेनिंग चाहिए होती है स्किल टाइप डी जो है वो ऑक्युपेशन जिसमें आपको हैंड्स ऑन की ज्यादा जरूरत रहती है और आपको कोई डिग्री की जरूरत नहीं होती नेक्स्ट so, हम बात करते हैं ऑक्युपेशनल एलिजिबिलिटी की इस चेंज की वजह से ऑक्युपेशन के हिसाब से एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स भी चेंज हुई हैं पहले एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स होती थी नॉक बी लेवल तक आपको पता होगा कि अगर आपको एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई करना है आपको नॉक बी लेवल की जॉब चाहिए होती थी लेकिन अब जो कट ऑफ है एलिजिबिलिटी की ऑक्युपेशन के हिसाब से वो टीयर थ्री हो चुकी है टीयर

नई हैं हैं जो एलिजिबल हुई ऑन द स्किल्स और लिस्ट आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी ये जो नई ऑक्युपेशन हैं ये ज्यादातर टीयर टू और टीयर थ्री में आती हैं पेरोल एडमिनिस्ट्रेटर्स पहले नहीं होते थे एलिजिबल अब वो एलिजिबल हैं और उनका जो नॉक कोड है वो है वन थ्री वन जीरो टू पहले जो नॉक कोड था वो था वन फोर थ्री टू उसके बाद डेंटल असिस्टेंट्स और डेंटल लैब असिस्टेंट्स जो हैं वो भी एलिजिबल हो गए हैं फॉर कैनेडा पी आर उसके बाद अगर आप फार्मेसी में जॉब करते हैं फार्मेसी टेक्निकल असिस्टेंट हैं या फिर फार्मेसी असिस्टेंट हैं आप एलिजिबल हो गए हो अप्लाई करने के लिए एलिमेंट्री और सेकेंडरी स्कूल टीचर असिस्टेंट भी एलिजिबल हो गए हैं एस्थेटिशियंस एलेक्ट्रोलॉजिस्ट रिलेटेड ऑक्युपेशन एस्थेटिशियन यहाँ पे ब्यूटी पार्लर सलोन वाली जॉब को बोलते हैं राइट तो आप भी एलिजिबल हैं थ्रू एक्सप्रेस एंट्री रिपेयर और सर्विस वर्कर्स एलिजिबल हैं ट्रांसपोर्ट ट्रक ड्राइवर्स एलिजिबल हैं बस ड्राइवर्स एलिजिबल हैं हैं इक्विपमेंट ऑपरेटर्स एलिजिबल सो ये सारी है, ये है, ये 16 कर दी है और इनका नॉक कोड आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा इज़ अ गुड न्यूज अब बात करते हैं और भी इंपॉर्टेंट चीज की कि इसका आपको क्या इम्पैक्ट है कौन कौन से प्रोग्राम है कैनेडा पी आर के जिसमें नॉक चेंजेस की वजह से इम्पैक्ट हुआ है और उनकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स भी चेंज हुई हैं सो so, आपको एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स इन प्रोग्राम की दोबारा देखनी होंगी और अपना नॉक कोड इन प्रोग्राम्स में अगर आपने अप्लाई कर दिया है या करने वाले हैं तो आपको अपना नो कोड अपडेट करना पड़ेगा सबसे पहला प्रोग्राम है एक्सप्रेस एंट्री एक्सप्रेस एंट्री को इफेक्ट हुआ है आपको अपना नो कोड अपडेट करना पड़ेगा जो पहले चार डिजिट का नॉक कोड था अब वो पांच डिजिट का हो गया है एक्सप्रेस एंट्री के अंदर भी तीन मेन चीजें होती हैं तीन मेन प्रोग्राम है वो तीनों इंपैक्ट हुए हैं जैसे कि कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास फेडरल स्किल्ड वर्कर और फेडरल स्किल्ड ट्रेड वर्कर सो ये तीनों प्रोग्राम है इसके अलावा आपने सुना होगा अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम इसमें भी इम्पैक्ट हुआ है अगर आपने इसमें अप्लाई किया है तो आपको इसमें भी अपना नाक कोड चेंज करना होगा उसके अलावा पी प्रोग्राम्स भी इम्पैक्ट हुए हैं केयर गिवर प्रोग्राम रूरल एंड नॉर्थ इमिग्रेशन पायलट में इम्पैक्ट हुआ है एग्री फूड पायलट प्रोग्राम है उसमें अगर आपने अप्लाई किया है दैट इज इम्पैक्टेड इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम जिसपे मैंने वीडियो भी बनाई थी उसमें भी इम्पैक्ट हुआ है और नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो है टेम्प्रेरी फॉरन वर्कर प्रोग्राम मेरे अकॉर्डिंगली जितने मेन मेन प्रोग्राम्स हैं कैनेडा पी आर के टेम्प्रेरी फॉरन वर्कर के वो सारे इम्पैक्ट हुए हैं सो so आपको अपना नाकूड अपनी प्रोफाइल में जाके चेंज कर लेना चाहिए वो चेंज कैसे करना है एल शो यू ऑन द स्क्रीन सो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज लाइक जरूर करो अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे सो so, सबसे पहले अब मैं ले चलती हूँ आपको अपने लैपटॉप पे वहां पे मैं दिखाती हूँ हम कनाडा की ऑफिशियल है सो वर्जन वर्जन ट्वेंटीन so, पे क्लिक करते हैं और टाइप करते हैं जैसे कि जो मेरा था नॉक कोड जब मैंने अपनी पी आर की फाइल लगाई थी नेटवर्क डिजाइनर अगर हम सर्च करें तो मेरा नॉक कोड था टू वन फोर सेवन पहले अब वो चेंज हो गया होगा सो so, ये दिखा रहा है 2147 कंप्यूटर इंजीनियर्स एक्सेप्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और डिजाइनर्स ये मेरा नॉक कोड था लेकिन अगर अब हम चेक करें कि नए नॉक कोड के हिसाब से 2021 मॉडल के हिसाब से क्या हो गया है अब ये फोर डिजिट का नॉक कोड फाइव डिजिट का हो गया है अब इसमें चेंजेस क्या-क्या आए हैं देखिए ये 21311 इसमें आगे भी चेंजेस आए हैं क्योंकि इन्होंने और इसको डिफाइन कर दिया है अलग अलग कैटेगरीज में सो so, अब मेरा नॉक कोड है इसकी जो टीयर वन है क्योंकि ऑक्यूपेशन जनरली रिक्वायर्स यूनिवर्सिटी डिग्री क्योंकि जिस में मैं हूं, उसमें यूनिवर्सिटी डिग्री चाहिए रहती है सो so, मेरा नॉक कोड जो है अब टीयर वन में आता है जो पहले नॉक बी में आता था ऐसे ही आप भी अपना चेक कर सकते हैं कि आपका नया वाला नॉक कोड कौन सा है कैनेडा की गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पे और इसको आपको चेंज करना है अपनी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल में बिल्कुल सिंपल है एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल में चेंज करना आप एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल में जाइए वहां पर अपनी

सो so, ये थे चेंजेस रिलेटेड टू नॉक कोड सो सिंस आपको ये वीडियो देखने के बाद पता लग गया होगा कि नॉक कोड सिर्फ एक नंबर चेंजेस नहीं हुए हैं बहुत से चेंजेस हैं। डिपेंडिंग अपॉन द स्किल्स क्योंकि सारी चीजें स्किल पे डिपेंड करती हैं। मैं बार बार बोलती हूँ कि कैनेडा में स्किल की जरूरत है सो so, आपको ये पता करना है कि आपके पास कौन सी स्किल है आपकी जो स्किल है वो कौन से प्रोग्राम में ज्यादा जरूरत है कौन सी प्रोविंस में जरूरत है उस हिसाब से आप अप्लाई करें और अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें और अपग्रेड करें तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी इसमें मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करूँ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को इट मीनस अ लॉट एंड इट इज फ्री इट डजें कॉस्ट एनीथिंग यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी ऑन माई इंस्टाग्राम माई आईडी सैंडी टॉक्स कनेडा इफ यू वॉन्ट टू बुक अ कॉल विद मी इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू स्टडी अब्रॉड करियर और लाइफ इन कनेडा यू कैन डू सो माई लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज आई होप दिस हेल्प मिलते हैं अगली वीडियो में चिल्ड्रेन टेक केयर ब बाय